हेलो सर, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे डेवलपिंग एंड एक्सपायर सिस्टम्स के अंदर से हमने फर्स्ट स्टेज देखा था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक्सपायर सिस्टम को बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, कितनी उसकी कॉस्ट लगेगी, टाइम फ्रेम कितना होगा, ये सब चीज़ें किसमें की जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें फाइंड करना नेसेसरी होता है, मस्ट होता है, इसके बिना हम नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें मिलना चाहिए, जिसके आंसर मिलने के बाद ही हम सेकंड स्टेज पर जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर सॉल्व होने चाहिए। फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट क्लास ऑफ प्रॉब्लम विल बी एक्सपर्ट सिस्टम इज टू बी एक्सपर्ट्स टू बी सोल्व। ये कहना चाहता है कि व्हाट क्लास ऑफ द प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम होगी जो एक्सपर्ट सिस्टम सोल्व करेगा, या जो भी यूजर आया है ये कहने कि मुझे एक एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए और उसका काम ये होना चाहिए कि वो मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करे, या वो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, डायग्नोसिस करे, मुझे फाइनेंस की फील्ड में चाहिए। तो यूज़र को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस टाइप का, कौन सी क्लास का एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए कि वो कौन सी क्लास की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। ठीक है, अगर देखो आपने एक्सपर्ट सिस्टम बना दिया, आप किस टाइप का एक्सपर्ट सिस्टम बनाओगे जब आपको पता ही नहीं कि यूज़र को किस टाइप का एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछना, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कंपलसरी है, नेसेसरी है। इसके बिना आप कैसे स्टार्ट कर दोगे किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना या बिल्ड करना। अगर आपने मान लो बना भी दिया, सपोज बना दिया आपने अपने अकॉर्डिंग, तो फिर बाद में यूजर ने लेने से मना कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी ने बना दिया बट यूजर मना कर रहा है कि मैं तो नहीं लूंगा, इसको पैसे भी नहीं दूंगा, मैं बाय भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये वैसा एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। तो इससे अच्छा क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस है नेसेसरी क्वेश्चन, उनका आंसर पहले फाइंड करके एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाए। अब इस क्वेश्चन से हमें ये आंसर मिल जाएगा कि किस टाइप का एक्सपर्ट सिस्टम होना चाहिए, ये एक्सपर्ट सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम कैरेक्टराइज और बी डिफाइंड। अब पहली बात तो ये होगी एक्सपर्ट सिस्टम किस टाइप का, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो होगी, कोई भी प्रॉब्लम ये होगी तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा, तो प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, किस टाइप की प्रॉब्लम होनी चाहिए, कैसे हम उसको डिफाइन करें, कैसे उसको हम एक्सप्लेन करें कि प्रॉब्लम क्या है, वो भी यूजर ही बताएगा कि एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब जो यूजर होगा, जरूरी तो नहीं है वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होगा, नॉर्मल यूजर भी हो सकता है ना। तो इसी कारण से जो एक्सपर्ट होते हैं या जो भी आपको मैनेजमेंट वाले होते हैं, अच्छा जो मीटिंग करते हैं यूजर के साथ, तो यूजर उन्हें कंफर्म बताएगा कि ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, इस तरह से उसको सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी एनालाइजर होगा या जो भी उससे मीटिंग कर रहा होगा वो बताएगा अपनी टीम को, अपनी टेक्निकल टीम को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये डिफाइन इस तरह से की गई है, इसके अकॉर्डिंग उसको एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो एक्सपर्ट सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, राइट ना? अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बना दिया, कुछ एक पॉइंट है जो रह गए उसके अंदर वो नहीं चल रही है या नहीं बिल्ड किए गए हैं, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसी कारण से प्रॉब्लम को पहले ही डिफाइन किया जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसको अच्छे से करैक्टराइज करो। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम इन पार्टीशन ऑफ द टास्क। अब देखो ये भी जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आपने एक के साथ सोल्व कर दिया, एक ही टीम मेंबर है, खाली एक पर्सन काम कर रहा है, एक ही एक्सपर्ट सिस्टम बना दिया, नहीं है ना ऐसा, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ईयर्स का टाइम लग जाता है, मिस सालों लग जाते हैं। तो क्या एक पर्सन बना देगा, नहीं ना, वैसे टीम वर्क होगा, टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क में भी क्या होगा, करेक्टराइज क्यों किया हमने प्रॉब्लम को, हमें प्रॉब्लम पता है, हम डायरेक्टली बना सकते थे ना, बट जैसे ही प्रॉब्लम को हम करेक्टराइज करेंगे, अलग अलग सब पार्टीशंस बना देंगे, सब प्रॉब्लम्स बना देंगे एक बड़ी प्रॉब्लम से, उससे क्या होगा, उसको बनाना ईजी हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम को। सब प्रॉब्लम नंबर वन वो एक टीम सोल्व कर रही है, सब प्रॉब्लम टू अलग टीम सोल्व करेगी, थ्री वाली अलग सोल्व करेगी, फोर वाली अलग सोल्व करेगी, लास्ट में उनको इंटीग्रेट कर देंगे और एक सिस्टम जो है वो बिल्ड हो जाएगा। इससे क्या होता है, किसी एक पर्सन पे प्रेशर नहीं रहता, ये खाली एक टीम पर प्रेशर नहीं रहता, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होने के बाद किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना ईजी हो जाता है। वट आर द डेटा, ठीक है, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर कि हम कौन से टाइप के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कौन से डेटास का यूज़ कर रहे हैं, तभी तो जाकर आगे हम
उससे इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग रो फैक्ट्स होंगे, अलग अलग रो डेटाज होंगे, तभी फिल्टर करके हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन से भी आगे इन्फॉर्मेशन फाइंड की जाएगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिट हो रही है, कौन सी लगनी चाहिए, तो डेटा कौन सा हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है, वट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड द इंटर रिलेटिव, कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में हम रखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन भी हो सकती है ना कंपनी की भी, जो उसको बिल्ड करके दे रही है, जो कोई भी होगी, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं, जो भी जिसने ये प्रोजेक्ट लिया है कि हाँ हम बना कर देंगे एक्सपर्ट सिस्टम, वो उस कंपनी के भी खुद के एक टर्म एंड कंडीशंस होंगे कि ये काम एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे कर सकता है या आप ऐसे नहीं कर सकते। यूजर के लिए भी हो सकती है वो कंडीशंस, अलग अलग टाइप की अलग अलग कंपनी की कंडीशंस होती है। तो बस इसमें से इतना पढ़ लो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस भी हो सकती है। व्हाट डज द सिचुएशन लुक एंड कंसेप्ट यूज टू बी, आपको क्या लगता है अब जो बना रहा है, जो भी एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं टीम मेंबर, उनको क्या लगता है, वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे ना कि सिचुएशन क्या है, जैसे सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट का यूज करें। ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन अभी है हमारे सामने, उससे भी देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन बन सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं उसके अंदर से स्पेसिफिक सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उनको यूज करेंगे कि ये सॉल्यूशन यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 7 पॉइंट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्टाइज आर एसेंशियल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसका मीनिंग क्या है, ये कहने हैं कि कोई भी एक्सपर्ट है जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, ये एक्सपर्ट सिस्टम को बना रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने से पहले एक्सपर्ट को वो खुद प्रॉब्लम सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर वो खुद को ही नहीं पता उसको कि कौन सी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम को कैसे समझा सकता है, कैसे लर्न करवा सकता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, राइट ना। तो एक्सपर्ट को पहले खुद पता होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ऐसे कौन से एक्सपर्ट होने चाहिए, ह्यूमन एक्सपर्ट, जो प्रॉब्लम सोल्विंग करने में जिनकी स्किल्स अच्छी हो, वही बनाए उस एक्सपर्ट सिस्टम को, जो उस फील्ड में अच्छी हो, एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंशंस रिलेवेंट नॉलेज इंप्लीमेंटिंग एंड द अंडरलाइज द ह्यूमन सॉल्यूशंस। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नेचर, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, रिलेवेंट नॉलेज कौन सी नॉलेज हम यूज कर सकते हैं जो उससे रिलेवेंट करती हो, कैसे हम उसका इंप्लीमेंटेशन करें और कैसे एक ह्यूमन जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 टर्म डिस्कस की थी, कौन सी 2 टर्म्स थी वो, जो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन सी टर्म्स हैं, फर्स्ट आती है डोमेन एक्सपर्ट, सेकंड आता है नॉलेज इंजीनियर। अब फर्स्ट देखो कि डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है, पार्ट डोमेन एक्सपर्ट करता क्या है, डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है वो तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। डोमेन एक्सपर्ट का काम ये होता है कि जो भी नॉलेज होगी उसके पास, उन सब नॉलेज के अकॉर्डिंग वो नॉलेज इंजीनियर को बताएगा कि इस तरीके से इस स्टेप को यूज करके आप बिल्ड कर सकते हो एक्सपर्ट सिस्टम को। तो यहाँ पर नॉलेज इंजीनियर जो होगा वो क्या करेगा, बिल्ड करेगा, और डोमेन एक्सपर्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस को यूज करेगा, टेक्स्ट बुक की नॉलेज का यूज करेगा और कुछ एग्जांपल्स लेगा कि ऐसे है तो ऐसे भी तो हो सकता है, लाइक दिस। क्या क्या करेगा डोमेन एक्सपर्ट, एक तो अपनी पास्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस को यूज करेगा, जब कभी भी उसने जितने भी अब तक काम किए हैं एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में अपने एक्सपर्ट की फील्ड में, उन सब सॉल्यूशंस के एक्सपीरियंस को लगाएगा, टेक्स्ट बुक्स जो उसने खुद पढ़ रखा है, जिसको उसको सिखाया गया है कि ऐसे होता है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स भी वो ले सकता है। फॉर द नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा, उसके अंदर एक तो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम जो उसको बताई गई है वो उसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करे, टूल्स फॉर बिल्डिंग द एक्सपर्ट सिस्टम, वो सभी टूल्स उसको पता होने चाहिए जो एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में यूज किए जाते हैं, तभी तो एक्सपर्ट सिस्टम बना पाएगा। अगर उसे खुद ही नहीं पता कि एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बनता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो वो कैसे बनाए, राइट ना। तो हमें पता लगे डोमेन एक्सपर्ट क्या होते हैं, नॉलेज इंजीनियर क्या होते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर फाइंड करना नेसेसरी होता है एट द आइडेंटिफिकेशन स्टेज। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक, बच्चे का टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।